चलो तो हम लोग कंप्यूटर का सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर का सिलेबस हम लोग जान चुके हैं। अब हम देखते हैं उसे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस में हमारा क्या था, सिलेबस में क्या था पहला जी, पहला चैप्टर क्या था अपना, हाँ कंप्यूटर का परिचय था, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। देखो ये कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के परिचय में सबसे पहले हमें जानना है कि कंप्यूटर क्या है, उसके परिभाषा जानेंगे, वो किसका कितने प्रकार होता है, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या जानेंगे इसके परिचय में, पहले जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। दूसरे में जानेंगे कि परिभाषा, इसको परिभाषा के तौर पर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे में देखेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, फिर प्रकार होता है जिसके विशेषता देख लेंगे, उसके क्या क्या विशेषता होता है। विशेषता के बाद देखेंगे कि इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कि कहाँ कहाँ इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में, कि हम लोग गणित के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में, ठीक है। ये ठीक है, पहले क्या है, फिर परिभाषा, फिर प्रकार, फिर विशेषता, फिर अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र द्वारा दिए गए निर्देश को इनपुट के रूप में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, फिर थोड़े से समय प्रोसेसिंग होकर के एक रिजल्ट देता है, किसके रूप में, आउटपुट के रूप में, जिसको यूज़र अपने कार्य के लिए उपयोग करता है, ठीक। देखो तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंप्यूटर क्या है, पहला देखते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लिखना सीधा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति याद करते चलना है ना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति देखना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है, किससे हुई है, देखो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है, कंप्यूट ठीक है, हिंदी में लिखोगे कंप्यूट, कंप्यूट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ गणना करना या गिनती करने वाला होता है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है जी, जिसका अर्थ गणना करना होता है, क्लियर है इतना, ठीक, गणना करना होता है। अगर हम लोग देखें कंप्यूटर का हिंदी अर्थ, तो कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, संगणक होता है, संगणक अर्थात किसी भी डाटा को क्या करना, गिनती करना या गणना करना ही संगणक कहलाता है, ठीक है। तो हम लिख भी सकते हैं इसका हिंदी अर्थ, कंप्यूटर का यदि हिंदी अर्थ जाने तो हिंदी अर्थ अर्थात क्या हो जाएगा, संगणक, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ देखें, उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संगणक हो जाएगा। और इससे हिंदी मतलब इस संगणक अर्थात प्रथम कंप्यूटर का उपयोग किसके किए थे, अबेकस को, ठीक है। इसी संगणक के रूप में प्रथम गणना के लिए एक कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था, उस कंप्यूटर का नाम क्या था, अबेकस, ठीक है, अबेकस कंप्यूटर। पहली बार उपयोग किया जाने वाला, गणना करने वाला पहला कंप्यूटर अगर बोल देगा तो अबेकस, ठीक है। और इसी के साथ में हमें याद रखना है, तब उपयोग करने वालों के व्यक्ति भी होगा तो सबसे पहले उपयोग किया था या बनाया था कहना चाहिए, इसीलिए हमने कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले गणना के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर किया था अबेकस को, इसीलिए इसको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है, इसको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। इतना समझ मिल गया कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। अगर इसका हम
पूछ दे, चाहे वो एसआई मेंस का हो अगर लिखने के लिए कंप्यूटर के बारे में पूछ दे, चाहे वो हमारा पीएससी क्यों ना कंप्यूटर के बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में लिखने के लिए बोल दे, ठीक है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है तो देखते हैं हम लोग क्या है जान के। तो परिभाषा देखो, परिभाषा अगर लिखने के लिए बोल दे परिभाषा, ठीक है, तो हम लोग समझ गए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो कि इसके द्वारा चलता है, विद्युत द्वारा चलता है, लाइट द्वारा चलता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर एक क्या मशीन है जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो जो कि यूज़र द्वारा, जो कि यूज़र द्वारा, ठीक है, यूज़र द्वारा मतलब हमारे द्वारा, यूज़र कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र द्वारा क्या किया जाएगा, यूज़र द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ठीक है, यूज़र द्वारा इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा निर्देश, कंप्यूटर को। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र द्वारा इंस्ट्रक्शन निर्देश के रूप में इनपुट देगा, है ना, इनपुट देगा। तो फिर कम समय में क्या, कुछ समय में क्या होगा, कुछ समय में प्रोसेसिंग होने के बाद, कुछ समय में प्रोसेसिंग होकर रिजल्ट आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में प्रदान कराता है या शो कराता है मॉनिटर में, प्रदान कराता है, ठीक है। इसको परिभाषा कह सकते हैं, सरल शब्दों में कैसे बोल सकते हो, सरल शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र द्वारा निर्देश देकर इनपुट के रूप में ग्रहण किया जाता है, फिर कुछ समय में प्रोसेसिंग होकर वह आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान कराता है, क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है, परिभाषा के रूप में इतना जान दें। अब आगे बढ़ते चलते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा बनता कैसे है, इसका परिभाषा कैसे बनेगा, तो इसे परिभाषा को जानने से पहले हम लोग कंप्यूटर के उसके फुल फॉर्म को जान लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें परिभाषा याद हो जाएगा। उसको कंप्यूटर के परिभाषा को समझने के लिए, उसके फुल फॉर्म को जानेंगे तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इस प्रकार से उसको याद रखना, ठीक है, कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कंप्यूटर के फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। देखो तो कंप्यूटर कितने लेटर से मिलकर बना है, आठ, देखो सी ओ एम पी यू टी ई आर, ठीक है, कंप्यूटर आठ शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात आठ लेटर से मिलकर बना है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है हमें सी फॉर कॉमनली, ठीक है, कॉमनली हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, सामान्य, ठीक है, सामान्य तौर पर कॉमनली। ओ फॉर याद रखना है आप लोग को, ऑपरेटिंग, ठीक है, कॉमनली ऑपरेटिंग। एम फॉर क्या याद रखना है, मशीन, मशीन मतलब एक यंत्र। पी फॉर क्या याद रखना है, पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली मतलब विवरण, ठीक है। यू फॉर याद रखना है, यूज्ड, यूज्ड फॉर मतलब उपयोग के लिए, यूज्ड फॉर उपयोग के लिए। टी फॉर याद रखना है, टेक्निकल, टेक्निकल या ट्रेड, किसी भी व्यवसाय के लिए ट्रेड या व्यवसाय। ई फॉर याद रखना है आप लोग को, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। आर फॉर याद रखना है, रिसर्च, रिसर्च मतलब होता है खोज या अनुसंधान, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे परिभाषा के रूप में कैसे कह सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज टू टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, अर्थात कंप्यूटर एक ऐसे मतलब सामान्य तौर पर कंप्यूटर को हम लोग ऑपरेटिंग मतलब सामान्य तौर पर कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन है जो कि हम लोग इसको विवरणात्मक रूप से टेक्निकल व्यवसाय के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक, कंप्यूटर का फुल फॉर्म में पहला क्या क्या बोला, देखो आप लोग बोलोगे,
सी फॉर फिर ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर पी फॉर यू फॉर टी फॉर ई फॉर आर फॉर रिसर्च। ठीक है, इतना याद रखना, उसके हिंदी में याद रखना। कॉमनली मतलब सामान्य, ऑपरेटिंग मतलब चलाने वाला या संचालक, ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब संचालक, मशीन मतलब एक यंत्र, और आपका पार्टिकुलरली मतलब विवरणात्मक या विवरण, यूज्ड फॉर मतलब उपयोग के लिए, टेक्निकल या ट्रेड मतलब व्यवसायिक या व्यवसाय, एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च मतलब खोज अनुसंधान के क्षेत्र में। क्लियर, इतना याद रहेगा। इतना हमें कंप्यूटर के बारे में पूरा परिचय में थोड़ा सीधा समझना है कि क्या है उसका परिभाषा क्या है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, हमारे लिए सीधा पूछा जाता है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, लोग सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं मिनी माइक्रो ऐसा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। ठीक, देखते हैं आगे, देखते हैं कैसे। चलो देखो, ठीक है, हम इतना जान गए, अब जानते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या जान गए, क्या होता है, परिभाषा क्या होता है जान गए, उसके फुल फॉर्म जान गए। अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार। चलो देखो जी, यहाँ कंप्यूटर मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, याद करते चलना। पहला याद रखना, इसे आप लोग को ट्रिक बताया था, ए डी एच करके। ठीक है, ए डी एच याद रखना आप लोग, एस याद रखना आप लोग को, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, डी से डिजिटल कंप्यूटर, सी एच से हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तीनों कंप्यूटर याद रहेगा। देखो, सबसे पहले हमें जानना है एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को आकार एवं उसके कार्य के अनुसार चार भागों में और बांटा गया है। ठीक है, इसको डिजिटल कंप्यूटर को, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर को किसके अनुसार जी, आकार। सीधा पूछता है ना, अगर आपको पूछ देगा एग्जाम में आकार, उसके आकार एवं कार्य के अनुसार कंप्यूटर को कितने रूप में बांटा है, तो चार। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन, इस समझना ना। तो कंप्यूटर का मुख्य रूप से भाग होता है तीन भाग, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग और उसके आकार एवं कार्य के अनुसार, आकार एवं कार्य के अनुसार, कार्य के आधार पर, मान लो कार्य के आधार पर चार प्रकार से बांटे हैं, चार प्रकार। ठीक है, तो चार प्रकार क्या है, देखो पहला याद रखना आप लोग, मिनी कंप्यूटर। दूसरा याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा याद रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा याद रखना है आप लोग को लास्ट, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आकार एवं कार्य के अनुसार कितने भागों में बांटा है, चार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सुपर कंप्यूटर। इतना सब याद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम छोटे, इसका छोटे छोटे वेव में समझते हैं इसका परिभाषा, ऐसे ही दिमागी तौर पर समझते हैं। ठीक है, देखो टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के तीन प्रकार होते हैं, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। ठीक है, डिजिटल को हम लोग आकार एवं उससे कार्य के अनुसार पर चार भाग बटे हैं, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो आप लोग देखते इसका परिभाषा देखते चलते हैं। ठीक है, समझना, एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीधा पूछता है इसमें का एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या है, पूछा रहता है उसमें। ठीक है, कि ये किस प्रकार, एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार का काम करता है। तो सबसे पहले परिभाषा जानना, एनालॉग कंप्यूटर,
ला कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसको चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसको, इसका आधार सिग्नल होता है, ये सिग्नल बताने के लिए काम करता है, ठीक है। किस क्या बताने के लिए, सिग्नल बताने के लिए काम करता है, समझना। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किस में होता है जी, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। जो कि ये सिग्नल बताने का काम करता है, सिग्नल बताने का काम करता है, और किसका, ठीक है, देख ये भौतिक इसका, और भौतिक के रूप में भी इसका होता है, देखो भौतिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि भौतिक में क्या है, ताप, दाब, दूरी, लंबाई, ये सभी के सिग्नल बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं थर्मामीटर, और क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं हम लोग जो भूकंप आता है तो उसको मापने के लिए क्या होता है, भूकंप मापी यंत्र, ठीक है। और आप लोगों को डॉक्टर के लिए थर्मामीटर, और दूसरा क्या है, स्पीडोमीटर, जो गाड़ी में लगा होता है स्पीड नापने के लिए ना, तो सिग्नल बताता है। और आप लोग को जैसे ही थर्मामीटर को हम लोग गर्माहट या जीप के नीचे रखते हैं या अपने इस कंधे के नीचे रखते हैं तो ऑटोमेटिक पता जाता है और थर्मामीटर उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सभी कौन से कंप्यूटर का उदाहरण है, आपके एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, याद रहेगा इतना। देखो अब देखते हैं हम लोग दूसरा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो आजकल हमारे ज़िंदगी में आप तौर में ये सभी लोग अधिकतर किसका उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर का ही वर्तमान में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर किसको कहेंगे हम लोग, डिजिटल कंप्यूटर उसको कहेंगे जिसको हम लोग अर्थमेटिक अंकगणित को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित को, तो अंकगणित मतलब अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस प्रकार के गए के चीज़ों को हमें गणना करने के लिए कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का, ठीक है, याद रहेगा। तीसरा कंप्यूटर देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहेंगे, जिसको हम भौतिक एवं चिकित्सा, मतलब जिसको एनालॉग एवं डिजिटल, जिसको दोनों से मिलाकर बनाए हुआ कंप्यूटर जो रहता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, समझ रहे हो। जिसमें हम लोग एनालॉग मतलब उसको उसको भौतिक रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में, और इसमें हम लोग डिजिटली डिजिट के रूप में भी, दोनों के रूप में एक साथ उपयोग कर सकते हैं, उसको कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, समझ मिल गया, ठीक है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को कितने रूप में बांटा गया है, चार रूप में बांटा गया है। पहला मिनी, दूसरा माइक्रो, फिर मैन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, देखो इसमें समझना है हमें सबसे पहले, चलो सबसे पहले इसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं, ठीक ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रकार देखें, तो पहला क्या प्रकार देखें, एनालॉग। देखो पहला एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है पूछता है, मैं इसमें अगर पूछ देगा तो कैसे लिखोगे। एनालॉग कंप्यूटर देखो, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका प्रयोग भौतिक एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर कॉपी में लिखते चलना, जो नहीं लिखे होगा ना। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका प्रयोग किस क्षेत्र में, चिकित्सा, भौतिक और विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जैसे कि इसका आधार मान ले तो, इसका आधार सिग्नल होता है, सिग्नल के तौर पर बताता है। देखे इसको भौतिक के रूप में, तो भौतिक के रूप में क्या, ताप, दाब, दूरी, लंबाई, ठीक है, और ऊंचाई, इन सभी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यदि एग्जांपल के तौर पर देखें, इसका एग्जांपल के रूप में देखें हम लोग, तो एग्जांपल में इसका समझ लेना है आप लोग को। थर्मामीटर सुने हो नाम, थर्मामीटर, जो थर्मामीटर होता है ना, तो थर्मामीटर का उपयोग हम लोग जो डॉक्टर लोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, एक स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगी होती है, देखे हो स्पीडोमीटर, याद रखना। स्पीडोमीटर के साथ हमारा जो वायु चलता है, जो मौसम चलता है, भूकंप आने का, स्फिग्नोमीटर जानते हो, तो ये याद समझना। हाँ वो उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सिग्नल बताता है,
ठीक, ये थर्मामीटर स्पीडोमीटर समझ लो। इसके बाद याद रखना है दूसरा कंप्यूटर, देखो दूसरा कंप्यूटर समझ लेना डिजिटल, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर आमतौर पर हमारे अभी पूरे दुनिया में डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग अर्थमेटिक, अंकगणित या बाइनरी सिस्टम या मतलब बाइनरी संख्या को जोड़ने या घटाने या गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में याद रखना आप लोग, डिजिटल कंप्यूटर में आमतौर पर सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग डिजिटल का ही होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जिसमें आर्थमेटिक अर्थात अंकगणितीय अर्थात गणना करने के लिए अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सभी को गणना करने के लिए, इन सभी गणना करने के लिए हमें एडिट काउंट्स किसके डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये जो है बाइनरी डिजिट होते हैं ना, बाइनरी डिजिट अर्थात जो ऐसी संख्या जो बाइनरी होता है केवल, तो दो ही संख्या हमारा बाइनरी होता है, पता है ना, दो ही सब 0 और 1। तो ये 0 1 0 1 को ही समझ पाता है, समझ लो बाइनरी। ये बाइनरी को अपना आधार मानकर क्या करता है, उपयोग में लाता है, ठीक है, बाइनरी को गणना करने के लिए, जोड़ना घटाने के लिए। और इसमें देखते हैं इसका आधार, हाँ, और ये क्या होता है देखो, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब समझते हो, माइक्रो प्रोसेसर अर्थात ऐसे प्रोसेसर जिसमें प्रोसेसिंग करने के लिए जो मशीन जो लगा होगा कंप्यूटर में, छोटे से में लगे रहेगा प्रोसेसर में, समझ रहे हो, सीपीयू के रूप में, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, याद रखना इतना। ये देखो ये क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें छोटे से प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, इतना याद रखना। डिजिटल कंप्यूटर के रूप में इस एग्जांपल में क्या ले सकते हो इसका आप लोग, ठीक है, जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप इसके एग्जांपल है, हम कहीं भी पकड़ के चले जाते हैं डिजिटली रूप में, ठीक है। लैपटॉप के बाद हमारे घर में जो लगा के रखे रहते हैं डेस्क टॉप में, ठीक है, डेस्क टॉप, हाँ वो भी आ जाएगा, ठीक। तो ये लैपटॉप, डेस्क टॉप, ये सभी का प्रकार कंप्यूटर, किस प्रकार कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। इसको हम लोग अगर आकार एवं क्षेत्र के अनुसार बांटेंगे तो 4 रूप में बांटा गया है ना, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है, इसको बाद में डील करेंगे। फिर इसके बाद देखो तीसरा याद रखना है आप लोग को, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ठीक, इसको समझना है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। इसमें हम लोग एनालॉग क्या है मतलब सिग्नल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसमें डिजिटल को क्या करने के लिए, अंकगणित के लिए करते हैं, लेकिन ये सिग्नल और या जी ये डिजिट दोनों के प्रयोग के लिए लाया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर को, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर देखो किनसे मिलकर बना है, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है जिसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक और वाणिज्यिक रूप में कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कहना चाहिए हमें, चिकित्सा क्षेत्र में भौतिक रूप में भी हो सकता है ये, ठीक है। और हमारा वाणिज्यिक रूप में बोल देगा तो वाणिज्यिक रूप में डिजिट जैसे कि जोड़ना घटाना उसके लिए भी उपयोग हो सकता है। और इसको हम लोग उपयोग करते हैं जैसे कि अपना हॉस्पिटल में करते हैं, ठीक है, उपयोग किस में करते हैं, हॉस्पिटल करते हैं ना जी, तो हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, तो किस प्रकार के एग्जाम्पल ले सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में हॉस्पिटल में कहाँ होता है, ICU समझ लो, ECG, ठीक है, ICU, ECG, और किस पे ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, डायलिसिस के लिए भी ले सकते हो आप लोग,
डायलिसिस के लिए लगता है ना कंप्यूटर, हाँ अल्ट्रासाउंड के लिए वाला, ठीक है। ये सभी चीज़ में किसके प्रयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। इस प्रकार हमारा कंप्यूटर के प्रभाव मतलब कंप्यूटर के प्रकार को, तीनों प्रकार को समझना है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उसको देखना है, ठीक है। तो हम लोग तीनों को बांट दिए ना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो डिजिटल को कितने रूप में बांटे हैं, चार, इसका परिभाषा देखते चलते हैं, ठीक है। तो डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर को कितने रूप में बांटे हैं, चार रूप में बांटे हैं। इसका चार प्रकार होता है, तो किसके आधार पर बांटे हैं, आकार और क्षेत्र के कार्य के अनुसार, ठीक है, आकार और कार्य के अनुसार बांटा गया। तो पहला को समझ लेना, पहला माइक्रो, ठीक है, दूसरा मिनी कंप्यूटर, पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा याद रखना सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर, तो जिसमें का हम लोग पहला को हम लोग क्या करेंगे, डील करते हैं। चलो देखो, पहला आप लोग याद रखना माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर में एक छोटा सा क्या लगा रहता है, प्रोसेसर लगा रहता है, सबसे छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है, इसमें इसके आकार में क्या होता है, छोटा होता है ये, और इसके में जो प्रोसेसर लगा होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है। चलो याद रखना इसमें, देखो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में हाँ इसका जो प्रोसेसर होता है छोटा होता है, छोटा प्रोसेसर होता है, ठीक है, छोटा प्रोसेसर होता है, अर्थात सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। इसको देखो, पहले से छोटा प्रोसेसर लगा होता है, इसमें छोटा सा माइक्रो है, तो और इसके सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और इसको एक और नाम से जाने जाते हैं, क्या नाम से जाने जाते हैं इसको, देखो इसको सिंगल यूज़र ही किया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब सिंगल व्यक्ति क्या करके इसको यूज करेगा, सिंगल व्यक्ति यूज करेगा, और इसको क्या नाम से जाने जाते हैं, इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। देखो कितना फैक्ट आ गया, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। ये चारों फैक्ट याद रखना इसमें, इसके बाद हम एग्जांपल भी देखेंगे। पहला ये सबसे छोटा प्रोसेसर वाला होता है, इसके सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। ये सिंगल यूज़र होता है, सिंगल यूजर के साथ इसका नाम अगर देखें तो दूसरा इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको छोटे से रहते इसको रख भी सकते हैं पर्सनल के रूप में, ठीक है, इतना रहेगा। तो एग्जाम्पल ले सकते हो, उसकी एग्जाम्पल में, ठीक है, जानते हो ना टैबलेट छोटा रहता है, आप लोग कॉलेज में मिला जी टैबलेट, ठीक है। आजकल लैपटॉप भी छोटे रूप में आ रहा है, ठीक है, लैपटॉप भी ले सकते हो, ठीक है। और एक और आता है पाम टॉप बोलते हैं, ठीक है, हाथ में रखने के लिए पाम टॉप, पाम मतलब हथेली होता है, पता है PALM, पाम मतलब हथेली, तो पाम टॉप बन गया हाथ में रखने वाला, ठीक है। इस प्रकार देखो याद करते चलना है इसको, माइक्रो कंप्यूटर को, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर वाला प्रोसेसर सबसे छोटा होता है, इसके बाद इसके में जो कि सीपीयू में लगा होता है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसके सिंगल यूजर करते हैं, केवल एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, तथा इसके एग्जाम्पल भी अगर ले लें तो टेबलेट छोटा क्या है जी, लैपटॉप और एक पाम टॉप, क्लियर है। दूसरा क्या है अपना मिनी कंप्यूटर, इसका उपयोग अगर देखना चाहोगे माइक्रो कंप्यूटर का, अगर उपयोग आप लोग देखोगे, इसका उपयोग देखोगे तो पर्सनल काम घर में, ठीक है, किसी प्रकार के व्यवसाय अगर आप कर रहे हो, सब्जी मंडी बेचने उचने के लिए काम कर रहे हो तो अपना इस प्रकार से उपयोग कर सकते हो, पर्सनल है तो पर्सनल काम कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, व्यवसाय भी कर सकते हो उपयोग के रूप में, क्लियर है। देखो मिनी कंप्यूटर, सबसे पहले मिनी कंप्यूटर को जानना है हमें, मिनी कंप्यूटर किस प्रकार समझ सकते हैं, तो आप इसमें हमें समझो, इसके भी जो प्रोसेसर होता है ना, इसका प्रोसेसर क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, इसका भी जो क्या होता है प्रोसेसर होता है, इसका भी छोटा होता है, इसको हाँ लेकिन माइक्रोस थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसमें हम लोग सिंगल यूजिंग करते हैं ना, सिंगल व्यक्ति इसको यूजर करते हैं, सिंगल यूजर होता है, मतलब एक ही व्यक्ति इसको यूज करता है, तो इसमें हम मिनी कंप्यूटर को हम एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं,
उपयोग कर सकते हैं, मतलब यह मल्टी यूज़र होता है। ठीक है, देखो इसमें भी क्या होता है, इसका प्रोसेसर जो लगा होता है ये भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, लेकिन जो है इसका कार्य क्षमता है इससे क्या होता है जी, लेकिन इसकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होता है। इसका जो क्षमता है माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होता है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होता है। और इसको हम लोग माइक्रो को केवल एक व्यक्ति यूज कर सकते हैं, जिसको अधिक व्यक्ति कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहते हैं ना, याद रखना इसको, मल्टी यूज़र या मल्टी व्यक्ति मतलब कई व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग याद रखना है। ठीक, अब देखो इसका उपयोग जो है ना बड़े बड़े कंपनियों, छोटे छोटे स्कूलों में, जो कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल कंपनी होता है ना, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग याद रखना आप लोग, मिनी कंप्यूटर का उपयोग सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय, ठीक है, सरकारी कार्यालय में गवर्नमेंट ऑफिस समझ लो, इस सभी जगह में क्या किया जाता है जी, या व्यवसाय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, मिनी कंप्यूटर का, गवर्नमेंट ऑफिस याद रखना आप लोग। ठीक है, इतना याद रखना। देखो अब तीसरा क्या है हमारा, अपना मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एक बहुत बड़ा फ्रेम होता है, ये एक बहुत बड़ा घर टाइप का फ्रेम से टाइप में लगा होता है। ये जो है मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्या इसको लिखो, सबसे पहले देखो ये क्या होता है, जो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। देखो ठीक है, हम किसी प्रकार का काम करते हैं ना, मिनी में भी काम करते हैं, माइक्रो में भी काम करते हैं, इसे हम लोग सिंगल यूजर करते हैं ऊपर में, और इसको हम लोग सेकंड यूजर कई व्यक्ति भी यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग करते हैं तो सर्वर के रूप में, एक नेट इंटरनेट के रूप में काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिनी का देखो, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होता है, और इसका उपयोग सर्वर एक प्रकार का नेट टाइप है ना, इंटरनेट टाइप, इसका उपयोग सर्वर के रूप में किया जाता है, सर्वर के रूप में किया जाता है। ठीक है, ठीक, चलो देखो याद रखना है, मिनी माइक्रो कंप्यूटर का बड़ा, ये इससे बड़ा होता है, इसका उपयोग सर्वर के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग बहुत बड़े बड़े कंपनियों में डाटा को संचित करने के लिए जाता है। ठीक है, अब बड़े बड़े कंपनियों में काम हो रहा है, मान के चलो तो काम हो रहा है, उसमें जो डाटा बन रहा है, जिसमें एक से क्या बनता है, डाटा बनता है, इसमें कितना माल लग रहा है, इसमें कितना जा रहा है, किसमें आ रहा है, जा रहा है, उस सभी को डाटा को एक जगह संचित करने के लिए, भंडारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, इसका उपयोग जो है, उपयोग बड़े कंपनियों के डाटा को आप कह सकते हो, हाँ डाटाबेस लिख सकते हो, डाटाबेस को सेव करने के लिए या संचित करने के लिए, ठीक है, डाटाबेस को सेव संचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर देखें तो हम इसको, अगर यूज़र जो है ये, इसको तो ये जो मल्टी यूज़र है, जान रहे हो अपना, जो मिनी कंप्यूटर है मल्टी यूज़र है, और ये क्या काम हमारा सिंगल यूज़र है, ये तो मल्टी यूज़र से भी मिलकर बना है और सिंगल यूज़र से भी बना है, तो दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको 1000 व्यक्ति से भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको अधिकतम हम लोग 1000 व्यक्ति से भी, 1000 यूज़र से भी ज़्यादा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्लियर, इतना ठीक है। अब बताओ कौन सा बच गया अपना,
सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। हाँ, ये आप लोग का सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किसका भाग है? डिजिटल कंप्यूटर का एक भाग है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर किसे कहेंगे? ये सुपर कंप्यूटर चलने में, ये तो स्वचालित होता ही है, लेकिन ये चलने में सबसे तेज होता है। क्या होता है? सबसे तेज होता है, तुरंत ये फास्ट क्या देता है? रिप्लाई देता है, और सीधा हमें आउटपुट के रूप में अपना रिजल्ट देता है। ये सबसे तेज होता है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे क्या होता है? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है तथा आकार में, जी हाँ, आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, एक लगभग एक कमरा के बराबर होता है, ठीक है, लगभग लगभग एक कमरे के बराबर, लगभग कमरे के बराबर, लगभग एक कमरे के बराबर होता है, ठीक है। बताया था क्रिस, देखे हो उसे किसी प्रकार का वो एक भविष्य वाला मशीन बना रहा था, पता है, वही सुपर कंप्यूटर है। कितना बड़ा रहता है देखे हो, एक घर के आकार का रहता है ना, हाँ हाँ, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, आकार में बड़ा होता है, लगभग एक कमरे के बराबर होता है, और क्या, महंगा भी होता है, हाँ, ये महंगा भी होता है, महंगा भी होता है, महंगा भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, क्लियर। इसका उपयोग देखो, उपयोग में जानना है इसको, इंजीनियरिंग क्षेत्र, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा कि हम लोग अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसमें भविष्य के लिए हमारा क्या हो सकता है अनुसंधान के क्षेत्र में, फिर हाँ उसमें भी हो जाएगा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है, मुख्य रूप से अनुसंधान है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इसे याद रखना है, ठीक, जो कि सुपर कंप्यूटर को याद रखना, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है, लगभग सबसे घर के बराबर होता है, और महंगा भी होता है, इसका उपयोग अनुसंधान में इंजीनियरिंग के रूप में किया जाता है। देखो तो इसमें दो सुपर कंप्यूटर याद रखना, ठीक है, प्रथम सुपर कंप्यूटर याद रखना, प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, क्रे वन, क्रे प्रथम, सी आर ए वाई, क्रे प्रथम, प्रथम सुपर कंप्यूटर अगर पूछ देगा तो सुपर प्रथम कंप्यूटर में याद रखना है आप लोग को, क्रे वन, सी आर ए वाई वन, क्रे प्रथम। एक और याद रखना है, भारत का, हाँ, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर एग्जाम में पूछता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछ देगा, प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा तो क्रे वन, लेकिन भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो परम वन याद रखना है, परम वन, परम क्या है, ठीक है, हाँ ये वही परम वन है, जो कि इसका कैपेसिटी बताया होगा 10,000, ठीक है, परम 10,000 याद रखना है, याद रखोगे तो इस प्रकार भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, हाँ 10,000, परम 10,000, क्लियर, इतना ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।